नमस्कार, मेरा नाम उदित तारण है और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। बिहार के एक नामी भूमिहार नेता राजू सिंह की आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है, पर अभी तक उनके हत्या में जो दोषी थे या जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर ना तो बिहार सरकार कोई कार्रवाई की है और ना ही उन्हें अभी तक सजा मिली है। कुछ दिन पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अनंत सिंह का कथित तौर से एक वॉइस था उसमें कि अनंत सिंह उनके हत्या की बात कर रहे हैं। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अनंत सिंह के समर्थक और उनके राइट हैंड माने जाने वाले बंटू सिंह मौजूद हैं। सर, आज राजू सिंह जी जिनका पुण्यतिथि है। हाँ हाँ हाँ, ये है। आज हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं उनको। राजू बाबू बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे राजू बाबू, और क्या कहें। तो ये बताइए सर कि क्या उनके जो अभियुक्त थे उस हत्याकांड में जो थे उनको सजा मिली अभी तक? कैसे सजा मिलेगी, आप पता कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से केस को उठवा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से अब के उठाया केस सुप्रीम कोर्ट से, ये जाके आप पता कीजिए उनके परिवार से। हम लोग तो राजू बाबू से इतना बढ़िया संबंध था साहब का, इतना बढ़िया संबंध कि पता कीजिए पूरे क्षेत्र में कि राजू बाबू से कैसा संबंध था। ये तो ऑडियो फेडियो नकली करके हम तो रोज वायरल कर रहे हैं, काहे नहीं जांच करा रहा है सरकार। आप तो देखे परसुओं की कैसे एक हत्यारा को सीएम की तरह स्कॉट करके जो है सो कि ले गया प्रशासन, और उसमें एक सांसद का सब नाम ले रहा है हत्यारा, देख ही रहे हैं। प्रताप अब कैसे, अभी तक देख लीजिए, अभी तक कोई सुरगुर नहीं हुआ है। आ ये विधायक जी वाला जे था तो देखबे किए, घर का ताला तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया, यहाँ मारा लोग को आतंकवादी कह के, मैडम के साथ दुर्व्यवहार किए एसपी लिपि सिंह, हैं यही है एक तरफा करवाई। अभी तक विवेका पहलवान पर हम कल एक चैनल वाला को बोले हैं, आपको ही बोल देते हैं कि विवेका चुनाव के समय, मुंगेर लोकसभा चुनाव के समय जो ललन बाबू और नीरज कुमार जो हैं भौं भौं सिंह, वो जो है सो मैनेज कर रहे थे सारे क्रिमिनलों को, जो सारा दर्शा रहा है उसमें ये लोग एक मीटिंग रखे, जो जानकारी है हमको सूत्र से मिला है, उसी में जो बातचीत हुआ विवेका पहलवान टेप कर लिया। अब वो टेप कर लिया, अब वो कह रहा है कि हमरा पर FIR होगा, तो हमें तो सब भेदभाव खोल देंगे रे भाई। तो देखिए अभी तक FIR नहीं हुआ, जिसके घर से 47 हो रहा है, अब प्रशासन FIR नहीं कर रहा है, क्या इसका क्या क्या कहता है? ये कानून है यहाँ? कोई कानून नहीं, रोज हत्या। 3 हाजीपुर में मार दिया है, क्या हो रहा है जी यहाँ? प्रेम प्रसंग में मरा था, भौं भौं सिंह से पूछिए कि 3 हत्या हुआ है को प्रेम प्रसंग में मरा है। ये जब हत्या हुई थी राजू सिंह की, तो उस समय एक अफवाह भी था, वो कितना सच है इसके ऊपर तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, पर उसमें कथित तौर से जो मौजूदा सांसद हैं जदयू के ललन सिंह, उस समय उनका भी नाम आ रहा था इस मामले में। अब नाम तो आ रहा था तो हे, टोटल जनता एक बात जानता है, टोटल आप घूम जाइए इसे पूरा जिला, टोटल पूरा बिहार। आज हमको सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, बाबा परमेश्वर मुखिया जी जो थे वो मरे थे, उनको भी सरकार सुरक्षा नहीं दी थी और तथाकथित हत्या करा दी गई थी, सुरक्षा मांगते रहे बेचारे। तो ये सरकार का तो यही काम है, कहता है कि कानून का राज है, कानून का राज है, ये कानून का राज है। क्या मांग करेंगे फिर से कि नए सिरे से इसकी जांच शुरू की जाए राजू बाबू के? हम हे माँ भगवती से कर, आज भोलेनाथ का दिन है सोमवार, भगवान भोलेनाथ दे कि इसका CBI जांच हो, देखिए सब सफेद पोश चेहरे लोग का उजागर हो जाएगा। और उनसे जाके आप पूछिए, पत्रकार साहब जो सुप्रीम कोर्ट से केस उठा लिए, आप पता कीजिए, जाके पूछिए कौन उठाया भाई सुप्रीम कोर्ट से केस, क्यों उठाया रे भाई, पूछिए उनसे जाके जो उठाया है केस, उनसे पता कीजिए। अशोक महतो इस पूरे मामले के मुख्य अभियुक्त हैं और उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ललन सिंह से स्थापित होता है, दिखता है कि वो ललन सिंह से अटैच थे। तो क्या ललन सिंह मतलब अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो क्या अशोक महतो को बचाया गया था या फिर अशोक महतो सही में निर्दोष थे? देखिए एगो बात हम बता देते हैं, 2006 में उस समय झारखंड से पकड़ के लाए थे, SP थे अमित लोढ़ा, ठीक है ना, अमित लोढ़ा साहब बहुत शेखपुरा से वहाँ पकड़ के लाए थे, सारा चीज गछ लिया था अशोक महतो,
आप जाइए जो अभी एसपी थे अमित लोढ़ा उनसे जाके पूछिए। मगर सरकार था नीतीश कुमार जी का, सारा मामला को उलट पुलट करके, इसका नए सिरे से जांच होगा ना तब पते चल जाएगा कि कौन अपराधी है कौन। हम तो शुरू से बोल रहे हैं, परसों ऑडियो भी दे ही दिए हैं कि देखिए कौन अपराधी है। अपराधी को स्कॉट करके निकालता है सीएम की तरह, और सेटिंग देखिए कैसे वो हत्यारा खुलासा कर रहा है कि हम ही और उहे जानते थे, सांसद मोहित तीसरा कोई नहीं जानता था। 19 सेकंड का एक ऑडियो अनंत सिंह का वायरल हो गया था, जिसमें अनंत सिंह राजू सिंह की हत्या का बात था, उस बात की तो कोई पुष्टि नहीं है, पर वो ऑडियो क्या था सर जो अनंत सिंह के आवाज में? देखिए एक दो चैनल वाले हैं, एगो है उसी का पेटेंट है मोकमा का, आर्स करके कौन है ऐसे ही छोटा मोटा, हाँ आर न्यूज कोई है, वोकरे खाली चलेबे करता है। लेडी सिंघम उहे लिखता था, उहे जाता था लाइव छापामारियों में, समझ गए ना, लेडी सिंघम के साथ है। सारे जो मीडिया बंधु हैं, जैसे आपका भी है, सब लोग हैं जो प्रतिष्ठित मीडिया बंधु हैं, सारा लोग ने उस ऑडियो को नकार दिया, कोई नहीं चला है, कहीं नकली ऑडियो मीडिया बंधु ने क्लियर कर दिया। कहीं 16 सेकंड के ऑडियो होता है, पहले का और बाद का कटा हुआ, वो तो क्लियर है, उसका तो जांच करावे ना, फोरेंसिक जांच में कैसे कैसे करके जोड़ा। देखिए ये लोग को दिमाग गड़बड़ा गया है, ये लोग जितने करेगा ना सोचेगा कि हम ऐसे करके ऐसे फंसावे अनंत बाबू को। इनका नाम अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, छोटे सरकार ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है इनका, तो ये लोग और फंसते जाएगा। क्या कि दिन भर गरीब गुरबा के सेवा करते हैं जी। देखिए अभी ये दोनों गेट खुलल है, देखिए और देखिए जाके ललन सिंह और नीरज के गेट खुलल है, नहीं खुलल रहेगा गेट, एकदम सामने आते होंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। जो डरपोक रहता है, जो गलत काम करे रहता है, उन्हें गेट बंद करके रहता है, और जो रहता है मर्द वो सेवक रहता है, उसका दोनों दरवाजा खुला रहता है, ठीक है। परसों जो आपने एक ऑडियो वायरल किया था, सभी मीडिया हाउसेस ने उसे चलाया, अभी तक इसका कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आया है? अब तो आप मीडिया बंधु आप ही लोग, हम तो दिन भर टीवी आंख फाड़ के देख रहे हैं कि अनंत बाबू का रे भाई लगातार एकदम गर्दा चल रहा था, तुरंत कार्रवाई शुरू हुआ, ओजा अपने 47 रख के लदमा में, और 17 तारीख को ओजा गेट दरवाजा सब फोड़ फाड़ के तुरंत सबके कुर्की जब्ती भी निकलने लगा। आज 29 तारीख को हमने जो 47 वाला वायरल किया था, क्या हुआ उसका, ककर कुर्की जब्ती निकला है, कै गो गिरफ्तार हुआ है? ऑडियो वीडियो वायरल किए 47 वाला जो चर्चर को बता रहा है, उसको तो पहले प्लास्टिक का सब कारखाना वाला के हाथ गोड़ फूल गया, नहीं बना तो वह राजो सिंह वाला लाया, और उसके बाद आप देखिएगा कि 29 तारीख के बाद क्या कार्रवाई हुआ भाई। तो कल है जो है से परसों जाके ओकरे घर विवेका पहलवान जो सुतल होगा कि आइए हमको पकड़िए, हम 47 मार रख ले हैं ना, ये है। अब अनंत बाबू ले मार छापा मार अथी, एक माननीय विधायक थे, वो सब तो कुख्यात अपराधी है, सजा कोई सजा याप्ता है, कोई 5-5 गो केस में है, कोई 10-10 साल, सब फरारी है सब है। वो तो भोलवा उलवा तो चोर है, वो सब तो, वो सब मुकेशवा भोलवा रो रहा था इसे छाती पीट के, हम नीतीश बाबू के सिपाही हैं, हम ललन बाबू के सिपाही, हम नीरज दा जो भाव भाव सिंह है उसी के बारे में सब अथी कर रहा था। देखबे किए क्या हो रहा है, कानूनी कार्रवाई रे भाई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है, कहाँ है सरकार? हम तो पहले बोले हैं कि ये बिहार पुलिस नहीं किसी की बाप की पुलिस हो गई है, तो और क्या बोले हैं कुछ। तो आज ही के दिन राजू सिंह जी की हत्या कर दी गई थी भूमिहारों के, और इससे बड़ी बात है कि बिहार के एक बड़े नेता थे, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे, उनकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई इसका खुलासा अभी तक नीतीश कुमार की सरकार नहीं की है। और जहां तक बात है, अभी जैसा कि बंटू सिंह ने बताया कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी जाँच CBI फेल हो चुकी है, CBI ने तो यहाँ तक एक पोस्टर निकलवा दिया था कि जो भी उनके हत्यारा का पता लगाएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा, मतलब पूरी तरीके से जो प्रशासन है, जो सरकारी तंत्र है, वो इस मुद्दे पर फेल है। आप बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन राज तिलक के साथ मैं उदीप तारियन, हेडलाइंस बिहार पटना।